हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो आपने देख लिया होगा, किन्नर के ऊपर है, जो थर्ड जेंडर भी कहते हैं या लोकल लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में हिजड़े भी कह देते हैं इन्हें। तो इनके ऊपर स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। इनके ऊपर मोस्टली देखा जाता है कि ये बधाइयाँ देने के लिए गांव-गांव में या शहर में, हर घर में ये पहुँचती हैं। कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब, और इनका बधाई देने का तरीका कुछ अलग रहता है। नाच गाकर बधाइयाँ देते हैं, ढोलक वगैरह कुछ संगीत के साथ, साजबाजी साथ लेकर चलते हैं। जिस भी घर में जाते हैं, एक अजीब सी डिमांड इनकी होती है, चाहे वो घर, वो जो पैसे जो ये मांगते हैं उस हिसाब से, वो घर उनकी कैपेसिटी हो चाहे मत हो, तब तक वो पैसे नहीं देते, तब तक ये उनको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बददुआएं के रूप में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि, और आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि मैं, अगर ये किसी के घर बधाई देने के लिए जाती हैं तो ये तब तक पैसे नहीं मिलते, या लोग इनसे बार्गेनिंग करते हैं पैसे कम लो आप, या अपनी इच्छा से देना चाह रहे हैं, तो ये बददुआएं क्यों देती हैं? एक तो मेरा कहने का ये तात्पर्य, कोविड-19 चल रहा है, सभी का धंधा बिजनेस जो भी प्रोफेशन करते हैं सब धराशायी है, और इनकी डिमांड इतनी हाई है, किसी भी घर में जाते हैं इतने पैसे दो, इतने दो, इतने दो। तो मेरा कहने का ये है कि ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, भेदभाव का मैं नहीं कह रहा, बॉडी स्ट्रक्चर से देखें तो ये वीक नहीं है, ये काम कर सकते हैं, इनको जॉब मिल सकती है। बाकायदा ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं जो एक अच्छी पोस्ट पर किन्नर समाज से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि कोविड-19 के चलते ये किसी के घर में एंट्री करते हैं या प्रशासन से इसकी कोई परमिशन लेते हैं, गांव में कहीं भी जाते हैं तो गांव का जो मुखिया है, ग्राम प्रधान, सरपंच कहते हैं जिसे, उनसे परमिशन इनके पास होती है नहीं, या किसी गांव में घुसने से पहले ये सरपंच को इतला करती है कि नहीं, सरपंच का क्या रोल रह जाता है, तब ये आती हैं गांव में इस तरह की ये एंट्री करते हैं, तो लायबिलिटी सरपंच की भी बनती है। बधाइयां देने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि कोविड-19 का भी कोई इनके ऊपर कोई वो नहीं रहता, क्योंकि इनके ट्रैवल हिस्ट्री है, इनसे पूछो तो ये नाम भी गलत बताएंगी, कोई आईडी तो मोस्टली कोई देखता होगा इनकी, इनकी पहचान क्या है, कहाँ से आई हैं, ट्रैवल हिस्ट्री की भी ये छुपाएंगी, यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, आपके लोकल के हैं, जो भी हैं ये बताएंगी। और इन जब तक इनको पैसे नहीं दिए जाते हैं या बधाई की जो भी जो राशि है वो नहीं दी जाती, तब तक ये वहीं उसी घर में रुकती हैं और बाकायदा कुछ बददुआएं भी देने का वो करते हैं। तो जच्चा बच्चा जो भी है उनकी तरफ भी ये घुसने का या चलने का वो करते हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश करती हैं ये। तो मेरा मानना ये है कि भाई आप बधाई दो, तरीके से दो, आप बधाई देने आए हैं, वॉलेंट्री जो भी आपको कुछ देता है कोई स्वैच्छिक रूप से, उसको आप ग्रहण करें। अनावश्यक रूप से किसी को बद्दुआ देकर या डरा कर धमका कर आप राशि ग्रहण करते हैं वो गलत है, और समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए। स्वैच्छिक, ऐसा नहीं है किसी घर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, स्वैच्छिक रूप से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेरी आज की वीडियो यही है, और आप इसकी, इस वीडियो पर, इस टॉपिक के ऊपर मैं सभी के विचार लेना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप ये इनका इस तरह से करना गलत है या सही है, आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ठीक है दादी की।